प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। कोरोना संकट और बढ़ती सर्दी के बीच गति भी टेंशन बढ़ाने को तैयार है। भारत पर एक और घातक चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम इलाके में कम दबाव की वजह से चक्रवाती तूफान उठा है। ये तूफान अगले 24 घंटे में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर टकराएगा। मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान का नाम गति रखा है। जानकारी मिली है कि चक्रवाती तूफान गति 24 और 25 नवंबर के बीच उत्तरी तमिलनाडु के मम्मलपुरम और पुदुचेरी के कराईकल तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने ट्वीट के जरिए बताया कि अति गंभीर श्रेणी वाला चक्रवाती तूफान गति का केंद्र अरब सागर में है। ये तूफान 10 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 51 मिनट 5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच अरब सागर में उठा है। ये स्थान सोमालिया तट से 40 किलोमीटर पूर्व और रास बिन्ना सोमालिया से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम इलाके में कम दबाव की वजह से चक्रवाती तूफान गति में और भी तेजी आ जाएगी। मौसम विभाग चेन्नई के एस बालचंद्रन ने बताया कि चक्रवाती तूफान गति 25 नवंबर की दोपहर तक कराईकल और मम्मलपुरम तट को पार कर जाएगा। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान गति को लेकर कुछ चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि जहाजों और मछुआरों को 25 नवंबर तक खुले समुद्र में जाने से बचना चाहिए। इस दिन चक्रवाती तूफान गति की रफ्तार काफी तेज होगी। कहा जा रहा है कि इस दिन हवा की रफ्तार काफी तेज होगी। तूफान की वजह से तटीय इलाकों में 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जान माल का नुकसान हो सकता है। बता दें कि भारत ने कोरोना संकट के बीच इस साल पहले भी दो चक्रवाती तूफानों का हमला झेला है। इनमें से अम्फान तूफान ने तो पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।